तो जिस दिन जो हमारा हाथ से काम करता है, चाहे वो मैकेनिक हो, किसान हो, बढ़ई हो, जिस दिन उसकी इस देश में इज्जत हो जाएगी, उस दिन आसानी से इस देश के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। आखिरी बात, सामाजिक न्याय की बात करना चाहता हूं। और आप देखें तो जो हमारे आदिवासी भाई हैं, दलित भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, बहनें हैं, उनके लिए देश में दरवाजे बंद हैं। तो इसके बारे में भी हमें सोचना है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति, उसको भी लगे देश मेरी रक्षा करता है, उसको भी लगे कि अगर मुझे डर लगता है तो मेरा देश, मेरी सरकार, भैया माइक, तो उसको भी लगे कि मेरा भाई मेरी रक्षा करते हैं। आखिरी बात जो आपको मालूम है, मैं दोहरा देता हूं, जिससे मुझे काफी दुख हुआ। बहुत सारे युवा जब छोटे होते हैं कहते हैं कि मैं एक दिन सेना में जाना चाहता हूं, पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहता हूं, देश की रक्षा करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे जैसे ये बच्ची है, दे दो अब। पहले क्या था, युवा ट्रेनिंग करते थे, आपने देखा होगा सड़क पे 5 बजे दौड़ते थे और फिजिकल फिटनेस बनाकर टेस्ट लेकर आर्मी में, वायुसेना में जाते थे, नेवी में जाते थे। अब वहां आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारे युवाओं को एक गारंटी देती थी, कहती थी देखो आपने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी है, तो आपने अगर अपनी जान देश के हवाले कर दी है, देश के हाथों में कर दी है, तो हम आपको गारंटी देते हैं जब तक आप जिंदा हो और आपके परिवार के लिए, शहीद होने के बाद आपके परिवार को हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की वायु सेना, हिंदुस्तान की नेवी गारंटी देके आपकी रक्षा करेगी, पेंशन देगी और रक्षा करेगी। मगर आज क्या हुआ है, आज एक नई योजना आई है, उसको सरकार ने अग्निवीर योजना कहा है। अब उसमें देखिए, उसमें कहा है कि हिंदुस्तान का युवा आर्मी को अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए, और लाखों युवा तैयार हो जाएंगे। मगर अग्निवीर योजना कहती है कि आप आर्मी में आओ, 4 साल के लिए रहो और 4 साल के बाद 75%, मतलब 3 में से 4 युवा आपको हम वापस घर भेज देंगे, 4 में से 1 युवा सेना में रहेगा और बाकी जो 3 हैं वो वापस चले जाएंगे। अगर शहीद होगा, देश के लिए गोली खाएगा, तो जो सेना के लोगों को कॉम्पनसेशन मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है, वो अग्निवीर को नहीं मिलेगी, उतनी नहीं मिलेगी। तो मेरा कहना है कि शहीद 2 तरीके के नहीं होते हैं, शहीद सिर्फ 1 तरीके का होता है, सही? ऐसे थोड़ी कि भैया ये दूसरा शहीद को सम्मान 1 बराबर होना चाहिए। और अब क्या हुआ, सबसे दुख की बात, 1,50,000 युवाओं ने भर्ती, अग्निवीर योजना से पहले
इन 1,50,000 युवाओं को कहा गया कि आपको आर्मी में भर्ती कर लिया गया है, इनको इनको जगह दे दी गई। और उसके बाद 3 साल सरकार, भैया बहुत जोश है मगर मुझे खत्म करने दो फिर, हाँ अभी मुझे बोलने दो। तो सरकार ने उनसे कहा कि भैया देखिए कोविड का समय है, थोड़ा समय ठहर जाओ, आपको भर्ती कर देंगे। 3 साल उनको ऐसे लटका के रखा और 3 साल बाद 1,50,000 हिंदुस्तान के युवाओं को कहा कि तुम्हें ना भर्ती होगी तुम्हारी, ना आर्मी में भर्ती होगी, ना तुम्हें अग्निवीर में जाने देंगे। तो इनके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है ना। तो ये 50,000 युवा हैं जिन्होंने आर्मी में भर्ती करवा ली थी, इनके खिलाफ अन्याय हो रहा है और ये गलत है। आप बात से सहमत हो? तो ऐसी बातें मैं उठाना चाहता हूं जो देश में अन्याय हो रहा है और पूरे देश में हर प्रदेश में अलग अलग तरीके से अन्याय हो रहा है, इसलिए मैं आपसे बात करके जो आपके दिल में है उसको समझ के मैं आपके सामने और देश के सामने रखना चाहता हूं। बंगाल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज आया हूं और जो आपने मुझे प्यार बंगाल में दिया है शायद किसी और प्रदेश में मुझे नहीं मिला। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपने अपनी पूरी जो शक्ति है, पूरा जो दम है, आपके दिल में जो मोहब्बत है, आपने पूरी की पूरी इस यात्रा में झोंक दी, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और ये कभी नहीं भूलूंगा। मेरे लायक और आखिरी बात देखिए, और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं बंद करने से पहले। देखिए बंगाल एक स्पेशल जगह है, यह आम जगह नहीं है। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी तो आइडियोलॉजिकल काम, अंग्रेजों से लड़ने का जो आइडियोलॉजिकल काम था वो आप बंगाली लोगों ने किया था, ये आप मत भूलिए। मतलब आप इंटेलेक्चुअल लोग हो, आप सोचने वाले लोग हो, आप एक दूसरे के साथ मिलके चलने वाले लोग हो और आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप ये मत सोचो कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि आप बंगाली हो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को रास्ता दिखाओ। आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया, विवेकानंद ने किया, तो आप लोगों के अंदर यह क्षमता है। अगर आपने को रास्ता दिखाने का काम नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, तो देश आपको माफ नहीं करेगा। यह आपकी जिम्मेदारी है और किसी एक व्यक्ति की नहीं है, क्योंकि यह जो आग है बंगाल के हर व्यक्ति के अंदर है, छोटे से छोटे बच्चे के अंदर है। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि नफरत के खिलाफ आपको लड़ना है, मिलके एक साथ चलना है और जो आपका इंटेलेक्चुअल पावर है उसके साथ आपने भारत को जोड़ने का काम करना है। यह मैसेज मैं आपको देने आया हूं, क्योंकि ये काम सिर्फ आप कर सकते हो, ये बात समझो। ये जोड़ने का काम, गहराई से सोचने का काम, ये आपका है, ये आपकी जिम्मेदारी है और मैं जानता हूं कि आप ये जिम्मेदारी पूरी करके दिखाओगे। आप सबको बहुत बहुत प्यार, बैक साइड बिल्कुल देखते हैं और दिल से दिल से आपका धन्यवाद। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान।
रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं।